प्यार क्या है? प्यार एक खूबसूरत सा एहसास है। प्यार हमें एक मजबूत और भावनात्मक रिश्ता प्रदान करता है। प्यार में खुश और संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति दुनिया को सकारात्मक नजरिए से देखना शुरू कर देता है। क्या आप जानते हैं कि इस ज्योतिष शास्त्र में प्यार और सेक्स से जुड़े सीक्रेट भी छिपे रहते हैं? अब क्या है वो राज? अलग अलग राष्ट्रों के लोग प्यार में कैसे होते हैं, आइए जानते हैं आज। आइए जानते हैं आज वृश्चिक राशि वालों के डीप सीक्रेट्स। अगर आपकी नाम राशि सूर्य राशि, चंद्र या लग्न राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वृश्चिक राशि मंगल की ही दूसरी राशि है। आकार इसका बिच्छू के जैसा। स्थिर राशि है, जल तत्वीय राशि है। वृश्चिक राशि स्त्रीलिंग है। जाति ब्राह्मण। निवास स्थान इसका छेद यानी कि बिल। कीट है योनि इसकी। शरीर में स्थान गुप्तांग। रंग इसका काला। इसीलिए वृश्चिक राशि के पुरुष और स्त्री दोनों के गुप्तांग दीर्घ होते हैं। जिस तरह बिच्छू डंग मारता है, कुछ इसी तरह की सेक्स क्रिया इन लोगों की होती है। इस राशि का पुरुष हमेशा बिच्छू जैसी पीड़ा देने के समान अपनी सेक्स क्रिया आरंभ करता है। स्त्री के साथ ये कब क्रीड़ा आरंभ कर दे कुछ नहीं कह सकते। एक तरह से रेप की तरह इनकी क्रिया आरंभ होती है। स्त्री को भी डंक मारने जैसी फीलिंग होती है, वो भी इनके वार से तिल मिला जाती है। वहीं वृश्चिक राशि की महिला भी कुछ ऐसा ही व्यवहार करना पसंद करती है। इनका उत्तेजना केंद्र इनके गुप्तांग होते हैं। इन्हीं अंगों को स्पर्श या सहलाने से ये बहुत ही जल्दी उत्तेजित हो जाती हैं। वृश्चिक राशि कीट राशि है, इसलिए ये कहीं भी लव मेकिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो चाहे घुटन भरा माहौल हो, कंजेस्टेड एरिया हो, कोई बंद कमरा हो या फिर नंगी जमीन। वैसे भी ये लोग निम्न स्तरीय मैथुन करना ज्यादा पसंद करते हैं। सेक्स करते समय बात करना भी बिल्कुल पसंद नहीं करते। पूरा फोकस इनका सेक्स क्रिया के ऊपर होता है। वृश्चिक राशि स्थिर राशि है, फिर भी ये लोग अस्थिर रूप से मैथुन करते हैं। ब्राह्मण जाति है, लेकिन फिर भी इनको गंदगी प्रिय है। गंदे तरीके से सेक्स करते हैं ये लोग। इस राशि के जातकों में कामुकता सबसे अधिक होती है। जहरीली और काफी लंबे समय तक क्रियारत रहने वाले इस राशि के जातक पीड़ादायक मैथुन करते हैं। मैथुन के पूर्व ये एक दूसरे के गुप्तांगों के साथ भी खेलते हैं। इन्हें दर्पण में देखकर सेक्स करना बहुत ही आनंदित करता है। एक दूसरे की क्रिया को दर्पण में देखकर ये लोग काफी उत्तेजना महसूस करते हैं और लगातार ध्वनियां भी निकालते हैं। कह सकते हैं कि इन्हें लोक लाज का कोई भय नहीं होता। यहाँ तक कि सेक्स के दौरान अपने पार्टनर को ये कुछ इस तरह के व्यंग भी कस देते हैं कि सामने वाला सुनकर छटपटा जाए। बिच्छू की चाल उल्टी होती है। अब बिच्छू की चाल उल्टी होने के कारण वृश्चिक राशि के लोग भी बैक पोर्शन से सेक्स करने में ज्यादा सुख पाते हैं। इनमें समलैंगिक सेक्स की भी तीव्र भावना रहती है। कुल मिलाकर इनकी प्रक्रिया काफी प्रचंड होती है। इस राशि के पुरुष प्रायः मासिक धर्म हो या गर्भावस्था, उस समय भी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ते हैं। जल तत्वीय राशि होने के कारण इस राशि की महिला का मासिक धर्म सबसे अधिक रक्तस्राव करता है। पुरुषों में पूर्ण पौरुष होता है और स्त्रियों में पूर्ण स्त्रीत्व। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगलदेव हैं। आकार बिच्छू, इसलिए इस राशि के जातक का स्वभाव अत्यंत उग्र होता है। जब क्रोधित होते हैं तो इनकी बातें बिच्छू के समान डंक मारने वाली होती हैं। स्वभाव भी कुछ ऐसा ही ज्यादातर देखने को मिलता है। घोर अवसरवादी होते हैं। मौका पड़े तो हाथ जोड़ दो, काम निकल जाए तो जूता मार दो। इस राशि की स्त्रियां भी बोलने के मामले में पीछे नहीं रहती हैं। इनके व्यंग्यों से दुखी होकर इनके पति प्रायः इन्हें पीट भी देते हैं। इनके घर में हमेशा कलह का वातावरण बना रहता है या फिर तलाक की स्थिति तक भी ये लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो इनके हत्या या आत्महत्या जैसे मामले भी सुनने में आए हैं। वृश्चिक राशि की स्त्रियां बिच्छू की चाल के समान पैर ज्यादा उठाकर चलती हैं और सोते समय पैरों को सिकोड़ कर सोती हैं। इस राशि के पुरुष अधिकतर दूसरी विवाहित स्त्रियों में ज्यादा रुचि रखते हैं। वृश्चिक राशि जाति ब्राह्मण है, इसलिए ये अपने से कुलीन पुरुष या स्त्री से संबंध बनाते हैं।
इस राशि की स्त्रियां भी दूसरे विवाहित पुरुषों में विशेष रूप से रुचि रखती हैं, लेकिन पूरी सावधानी भी रखती हैं। ऐसा भी नहीं है कि सभी वृश्चिक स्त्रियां दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं। लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो सच्चरित्र भी होती हैं, लेकिन इनके व्यंग्य बाण इनके चरित्र को संदेहजनक स्थिति तक पहुंचा ही देते हैं। अपने साथी को अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं, उन पर हावी रहने की इनकी प्रवृत्ति अक्सर संबंध विच्छेद का कारण बन जाती है। ये लोग कीट योनि के होने के कारण साफ सफाई पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और ना ही अपने बनाव श्रृंगार में कोई ज्यादा खास रुचि रखते हैं। वैसे भी ये मंगल की राशि है, इनको आकर्षक बनाती है। ये लोग जिज्ञासु होते हैं, रहस्यमय प्रवृत्ति के होते हैं, जिस कारण इनका पार्टनर कभी कभी इनके प्रति असहज महसूस करता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम में शारीरिक संबंध का सबसे अधिक महत्व है, लेकिन अपने साथी को चुनने में ये पूरी कोताही भी बरतते हैं। भले ही ये अपनी कामुकता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लव मेकिंग के मामले में काफी इंटेंस होते हैं। किसी के भी साथ ये शारीरिक संबंध बना लें ऐसा हरगिज नहीं है। अपने साथी पर ट्रस्ट होने के बाद ही ये उनके करीब जाते हैं। एक महिला को कैसे संतुष्ट करना है ये भली भांति जानते हैं। यौन संबंधों में उन्हें भी चरम सुख प्रदान करते हैं और अपनी भी पूर्ण संतुष्टि करते हैं। वैसे भी इन्हें चरम सीमा तक पहुंचने में काफी अधिक समय लगता है। वृश्चिक राशि वाले हमेशा सेक्स के लिए तैयार रहते हैं। कभी कभी तो इतने लस्ती हो जाते हैं कि खुद पर भी नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। सेक्स प्रक्रिया इनकी निम्न कोटि की होने के कारण ये उचित अनुचित यहां तक कि पीड़ादायक हर तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं। काफी कठोर तरीके से संबंध बनाते हैं। एक शिकारी की भांति टूट पड़ते हैं अपने शिकार पर। कई बार तो अपने साथी के दर्द या खुशी की भी परवाह नहीं करते हैं और कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं जिस कारण लेने के देने पड़ जाते हैं। कुछ तो नशा करने के बाद यौन क्रिया करते हैं। नशा करने के बाद ये एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। वृश्चिक राशि की महिलाओं को जानना किसी रहस्य से पर्दा उठाने जैसा ही कठिन है। काफी रहस्यमय प्रवृत्ति होती है इन लोगों की। प्यार की आदी होती हैं, फिर भी समर्पण भाव से घबराती हैं। अपने पार्टनर को इंतजार भी काफी करवाती हैं। अपने आप को हर काम में आगे रखना चाहती हैं। कम उम्र में ही इस राशि की लड़कियां सेक्स से संबंधित पहलुओं को जानने में दिलचस्पी रखने लगती हैं। सेक्स में काफी डिमांडिंग भी हो जाती हैं और इसी कारण ज्यादतियों की शिकार भी होती हैं। भले ही वो एक अच्छी पत्नी साबित हो सकती हैं, लेकिन अपने पति के साथ शायद ही ईमानदार ये रह पाएं। इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनते बिगड़ते रहते हैं क्योंकि ये सेक्स में परिवर्तन चाहती हैं। लगभग वृद्धावस्था तक इनका ऐसा ही स्वभाव बना रहता है। एक वृश्चिक महिला अपने साथी को संतुष्ट करने के लिए हर संभव प्रयत्न करेगी। यदि उसके प्रेमी में मनोवैज्ञानिक नपुंसकता है, आसानी से इस समस्या को हल कर देगी। उसमें विवेक है। वो अपने साथी को ध्यान से पढ़ती है, बहुत ही करीब से उन्हें समझती है। अपने साथी के प्रति भावुक भी है और ईर्ष्यालु भी। इनके साथी ने इनके सामने गलती से भी किसी दूसरी सुंदर महिला से बात कर ली या फिर इनका फोन बिजी गया तो समझ लीजिए कि इनके साथी की खैर नहीं। बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे अपने व्यंग्य बाण चलाकर ही रहेंगी। ये चाहेंगे कि इनका साथी केवल इन्हीं की तारीफ करे, अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति पर वो बिल्कुल ध्यान ना दे। हाँ, प्यार में ये हर संभव कोशिश करती हैं, अपने साथी के साथ बिताए गए पलों को लंबे समय तक याद रखना चाहती हैं। यहाँ तक कि सेक्स के बारे में बात करके भी ये बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाती हैं। सेक्स में पूरी तरह से ये समर्पित साथी साबित होती हैं। अपने साथी से भी कुछ ऐसी ही उम्मीद करती हैं। साथी की ना इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। उत्तेजना और क्रोध में आकर फिर कुछ भी कर गुजरती हैं। बाहरी समाज में एक वृश्चिक महिला कितनी भी सभ्य क्यों ना नजर आए, लेकिन अपने निजी पलों में इस मुखौटे को वो उतार फेंकती है। उस वक्त वस्त्र भी कुछ इस तरह से धारण करती है जैसे एक वेश्या अपने क्लाइंट के इंतजार में हो। सेक्स के दौरान अपने साथी की हरकतों पर भी ये पूरा नियंत्रण लगती है। वो आपके कान में कुछ अश्लील शब्द फुसफुसाते हुए आपको रोमांचित भी कर सकती है। सेक्स के बारे में बात करते हुए आपको चरम सुख भी दे सकती है। वो कुछ भी कर सकती है। वो एक अच्छी किताब पढ़ने की बजाय एक बुरे प्रेमी के साथ बिस्तर पर जाना ज्यादा पसंद करेगी।
ज्योतिष शास्त्र में पांचवां घर प्रेम संबंधों को दर्शाता है। वृश्चिक राशि के पांचवें घर में मीन राशि आती है, इसलिए ये लोग अक्सर भ्रम का शिकार रहते हैं, दूसरों पर विश्वास जल्दी नहीं कर पाते हैं। अतः इस राशि के लोग अपनी इच्छाओं को दूसरों पर थोप सकते हैं। वैसे ये एक अच्छे और भावुक प्रेमी साबित होते हैं। ये रहस्यमयी व्यक्तियों की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं। एक वृश्चिक पुरुष या फिर एक वृश्चिक स्त्री के लिए प्यार सर्वोच्च है। भले ही इसे प्रदर्शित करने का या समझाने का तरीका इनका शारीरिक हो, इनके लिए दैहिक सुख द्वारा प्यार को पाना एक अनजाना और अनछुई पहेली जैसा ही है। हो सकता है इनके इस दृष्टिकोण से समाज में ये गलत समझे जाते हों, लेकिन इस राशि के लिए ये आध्यात्मिकता को पाने जैसा है। इनके लिए सेक्स एक पूर्णतया सुखी जीवन जीने की शर्त है। काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि आठवें घर में आती है, जो कि रहस्य को दर्शाती है, चुनौतियों को दर्शाती है, गुप्त प्रेम को भी दर्शाती है। इसीलिए इस राशि को सेक्स के लिए काफी उत्तेजित माना जाता है, जो कि इनके लिए आशीर्वाद भी है और अभिशाप भी। सेक्स के दौरान इनमें भावनात्मक गुण भी बहुत कम देखे जाते हैं, जो कि एक लंबे और मजबूत रिश्ते के लिए बेहद जरूरी होते हैं। शायद यही कारण है कि एक वृश्चिक के रिश्ते में मजबूती की जगह भटकाव है। अगर आप भी किसी वृश्चिक राशि वाले के प्रेम संबंध में बंधने जा रहे हैं तो तैयार रहिए एक तीव्र अविस्मरणीय तथा जंगली यौन अनुभव के लिए। ये चिन्ह एक भावुक तथा अनर्गल प्रेमी का है। एक बिच्छू से प्यार करने के लिए आपको ताकत और धैर्य की जरूरत पड़ेगी। सेक्स इनके लिए मैराथन की जगह है। यदि आप इनकी गति के साथ नहीं चल सकते तो आप लंबे समय तक इनके साथ नहीं रह पाएंगे। वृश्चिक राशि जल तत्वी राशि है, इसलिए इनका सामंजस्य दूसरी जल तत्वी राशि यानी कि कर्क, मीन और वृश्चिक राशि वालों से ही बेहतर साबित होगा, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। किसी अन्य राशि को इनसे कष्ट ही मिलेगा। अगर कन्या राशि की महिला या कन्या राशि का पुरुष इनके पल्ले पड़ जाए तो समझ लीजिए उसका क्या हाल होगा। अतः वृश्चिक राशि वालों की ओर अपने कदम बढ़ाने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। अगर आप अपने बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में, अपने प्रियजनों के बारे में और भी अधिक गहराई से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को लगातार मिलती रहें और आप सभी ऐसे ही मेरे साथ अनसुलझे पहलुओं को जानते रहें, समझते रहें। मैं अरुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।